इसके फोन में भी गुंजन का नंबर है। तेरे फोन में गुंजन का नंबर क्यों आया बता पहले। मेरे फोन में हैरी नंबर है, यार सर्च कर लूं। दिस कुड बी अस सो बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग। गुड मॉर्निंग फैमिली, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अच्छा आज ना बहुत मतलब तेज हवा चल रही है, आवाजें आ रही हैं बड़ी, जैसे आती नहीं है बड़ी ड्रामी ड्रामी आवाजें, वैसी आवाजें आ रही हैं। हवा बहुत तेज है लेकिन गर्मी अभी भी है। आई होप जल्दी बारिश आ जाए और मौसम बहुत अच्छा हो जाए। जानवी चीकू कह रहा है कि आप इसको नहीं खिला रहे, घर वाला, ये इसको भी खिलाओ। ये घर वाला जो है, ये घर बनाना है, इसको भी सिखाओ। चीकू को भी आप इसको सिखा ही नहीं रहे। चीकू चलो घर बनाओ, चीकू घर बनाओ घर। अरे वाह, जानवी दीदी तो बड़ा प्यार करती है चीकू को। जानवी को बोलो बाबू घर बना। अरे वाह, बढ़िया टेंशन मिल रही है तेरे को तो। खाना बनाओ, खाना खाता ही, खाना बनाता नहीं है। आज है बहुत ही अच्छा दिन क्योंकि आज गुलशन पापा का हैप्पी बर्थडे है और इस खुशी के मौके पर आज मेरे मम्मी पापा भी आने वाले हैं पापा से मिलने, उनको बहुत सारी विशेस देने, बहुत सारा प्यार देने। तो मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि मैं बहुत दिनों से मम्मी पापा से मिली नहीं हूँ। अभी मम्मी पापा गए हैं मॉल कुछ शॉपिंग करने, तो मैं सोच रही हूँ अभी ना पापा के लिए उनका फेवरेट आइसक्रीम केक मंगवा लेती हूँ चुपचाप से। उनको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने उनके लिए आइसक्रीम केक मंगवाया। एक केक कल कट हो चुका है वैसे 12 बजे, बट अभी मैं दूसरा केक मंगवाने वाली हूँ और चुपके से उसको फ्रिज में रख दूंगी ताकि उनको पता ही ना चले। पापा के लिए जो मैंने आइसक्रीम केक मंगवाया था वो फाइनली आ चुका है, उनको वो बहुत ज्यादा पसंद है। अभी तो मैंने वो फ्रिज में रख दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ वो केक कितना मतलब ना देखने में बड़ा अमेजिंग से लग रहा है, बड़ा ऐसा लग रहा है कि खा जाऊं, भूख लगने लग गई मेरे को तो उसको देख के। वैसे तो हमने कल रात को एक केक कट किया था आइसक्रीम केक, बट ये दूसरे फ्लेवर का आइसक्रीम केक मैंने मंगवाया उनको सरप्राइज देने के लिए। तो ये है वो आइसक्रीम केक जो मैंने मंगवाया, फ्रिज में रखना पड़ा क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और ये देखने में तो कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है नॉर्मल चॉकलेट ट्रफल केक है बट ये आइसक्रीम केक है। Nice. गर्मी ना बहुत ज्यादा हो रही है और हवा तो क्या ही करेंगे, लू चल रही है बाहर इस वक्त, तो इस वजह से नॉर्मल जो क्रीम वाला केक होता है वो मंगवाने का ना कोई फायदा नहीं है। इसलिए आजकल हम सब ने ना आइसक्रीम केक ही मंगाना शुरू कर दिया है, चाहे बर्थडे हो चाहे एनिवर्सरी हो, आइसक्रीम केक बेस्ट रहता है क्योंकि खाने में अच्छा लगता है ठंडा ठंडा और वैसे भी इतनी इजिली में खराब नहीं होता, हैवी नहीं लगता। मम्मी आप क्या लेके आए मॉल से? कुछ भी नहीं मिला। अच्छा लेट गए, सारा मॉल जल्दी बंद होने शुरू हो गए। अच्छा मतलब अभी पापा को कुछ स्पेशल नहीं दिलाया आपने आज? नहीं अभी कुछ मिला नहीं एक्चुअली में ना। तो रहन दो फिर। तो मम्मी तो देखो बहुत अच्छी लग रही हैं, मम्मी पापा आने वाले हैं तो मुझे लग रहा है मुझे चेंज करना पड़ेगा, गर्मी की वजह से मैंने ऐसे ही ये शर्ट और नीचे लोअर्स पहन लिए हैं, तो अब मैं चेंज करके आती हूँ, कोई अच्छा सा सूट पहन के आती हूँ मैं ताकि मैं थोड़ी सी सही लगूं। ये वाला सूट ना मैंने अभी अभी बनवाया था ऑर्गेन्जा का, वैसे तो गर्मी बहुत ज्यादा है, ऑर्गेन्जा बहुत ज्यादा मतलब उस फैब्रिक में ना बहुत गर्मी लगती है, बट ये सूट मेरे को अच्छा लग रहा है, कलर भी मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, गर्मी के अकॉर्डिंग थोड़ा लाइट कलर है, तो मैं आज ये वाला पहनूं। आपको कैसे लग रहा है वाला सूट? आ जाओ आ जाओ। अरे पापा आराम से आ जाओ, स्लो इतना स्लो मोशन में जाएंगे तो बिल्कुल स्लो मोशन में आ रहे। पैसा का विश तो करो, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भाटिया साहब का जन्मदिन है जिनको मैंने शुरू से ही अपना संदीनी बनकर बड़ा भाई माना है। आज हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है कि इनका जन्मदिन है 30 तारीख और बुधवार का दिन, तो मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूँ पूरे परिवार की तरफ से। भगवान ईश्वर इनको चिरजीवन प्रदान करें और हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और हमेशा इनके साथ हम सुख दुख में जिंदगी के अंतिम क्षणों तक मैं खड़ा हूँ। बहुत बहुत बधाई। आज पापा के बर्थडे पे दोबारा से पार्टी, ये थोड़ा सा हमने सामान घर पे मंगाया है, गोलगप्पे हैं, पाव भाजी है, चाप है नूडल्स है और ये मंचूरियन है और पाव भाजी और ये वड़ा पाव भी है, वड़ा पाव भी आ गया। थोड़े से हमने कोल्ड ड्रिंक भी रखी है। ये सारी प्रिपरेशन करी है मीनाक्षी जी ने, नहीं मम्मी ने, मैंने मिलके किया है, मम्मी ने और मीनाक्षी ने मिलके किया है। और पापा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ आज मैं जब ऑफिस से आया शाम को बताया मैंने सुषमा को आज भाई साहब का बर्थडे है हमारे समधी साहब को, बड़े भाई साहब गुलशन भाटी जी का, तो सुषमा ने कहा कि आप सूट में सदस्य के जा रहे हो। मैंने कहा सदस्य ने की बात किया, मैंने कहा उनका आज बर्थडे है और अच्छी हमारे लिए तो खुशी की बात है आज कि उनका जन्मदिन है। मैंने कहा वो तो हमारे लिए एक तरीके से पार्टी है आज क्योंकि उनका जन्मदिन साल में एक बार आता है और आज तो बुधवार का दिन वैसे गणेश जी का दिन और अच्छा आज वो है, तो इसलिए मैंने कहा आज मैं सूट पहन के चलता हूँ। अच्छा क्योंकि जब भी हमने अपने पुराने व्लॉग थे ना बाल बिखरे हुए हैं, शेप बड़ी हुई किसके है? मेरे बाल बिखरे हुए हैं, शेप बड़ी हुई मेरे खुद के। अच्छा आपके? तो मैं थोड़ा सा अजीब से मुझे आज मैं फीलिंग सम अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, तो आज मैंने कहा अच्छी तरह तैयार लगा के जाएंगे, जरा लगे हाँ भाई शर्मा जी दिनेश शर्मा जी दोबारा फॉर्म में वापस आ गए। अच्छा तो आज मैंने पहली बार मतलब बहुत टाइम बाद इनके बर्थडे पे 30 जून को
फर्स्ट क्लास कपड़े वगैरह पहने हैं ताकि लगे हाँ भाई क्या बात है राहुल के पापा जी ने। एक बार दूर से दिखाएं। ओहो पापा जी तैयार हो रहे थे तो आपने उनको क्या कहा था? मैंने कहा आपके जन्मदिन पे जा रहे हो कि कहीं किसी शादी में जा रहे हो? हाँ। ये लाल सूट पहन के तैयार हो गए। अरे नहीं आज मैं अच्छी तरह बन के जाऊंगा, मेरा व्लॉग बनेगा। हाँ। और वहाँ पे व्लॉग बनेगा तो मैं आज रोज ऐसे ही बना रहता हूँ। क्या बात आज मैं सुंदर बन के जाऊंगा। वाह 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 आज तो बड़े सुंदर लग रहे हैं आप ऐसे। शर्मा रहे हैं पापा जी। वैसे ऐसे शादियों में होता है ना कि कोई खा रहा होता है एकदम से कैमरा वाला आ जाता है। हेलो भाई साहब बताइए क्या कर रहे थे आप? हाँ शिवम बेटा एक फाइटर में फोटो ले रहे। पापा ने फोटो उतार दिया है। अच्छा अब डिनर के लिए इनवाइट किया है भाई साहब। पापा जी को है ना फोटो खिंचवाने का बड़ा शौक है और शिवम पापा जी का पर्सनल फोटोग्राफर ये रहा ये और पापा जी की फोटोज खींचेंगे। और हम तो हमारा बेटा है, हम कुछ भी कह सकते हैं, आप भी हमारे बेटे हो। बिल्कुल बिल्कुल। पर मैंने कोट उतार दिया ना थोड़ा फ्रेश। व्हाइट शर्ट में बहुत बढ़िया लग रहे हैं आप। थैंक यू। बहुत एकदम हैंडसम। लोग कह रहे हैं कि आप मीनाक्षी के बड़े भाई लगते हैं। नहीं मीनाक्षी के पापा लग ही नहीं रहे। नहीं बोलना तो नहीं चाहिए पर मुझे लोगों ने आज काफी जो मेरा लास्ट व्लॉग था उसमें मुझे कई लोगों ने कहा कि आप मीनाक्षी के बड़े भाई लगते हैं पापा नहीं लगते। पर उसमें एक मुझे बड़ा दिल से बड़ा बुरा लगा, किसी ने कहा कि आपके ससुर जी बहुत छोड़ते हैं। अब पता नहीं किस आदमी का व्लॉग था मुझे मैं उसको कहीं कहना तो नहीं चाहता पर पता नहीं वो कौन सा है, किसने कहा छोड़ता नहीं हूँ मैं बहुत ही डाउन टू अर्थ वाला काम है, छोड़ता नहीं हूँ। जो मेरे सच्चाई जो मेरे मुंह पे है वो मेरे सामने है। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ पापा जी, क्या होता है कि लोग जितने भी YouTube पे हमें देखते हैं ना वो हमें पर्सनली तो जानते नहीं, वो सिर्फ वो 10 मिनट का लिए जानते हैं जो एक्चुअली में कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है। तो वो हम बिहाइंड द कैमरा क्या कर रहे हैं वैसे नहीं जानते। तो मैं बताना चाहता हूँ सबको, जैसे पापा जी हमारे कैमरा के पीछे हैं और वैसे ही कैमरा के आगे हैं, कोई चेंज नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं या कोई बहुत ऐसा कर रहे हैं, जो उनके दिल में है वो वही बोलते हैं। हाँ आज तो आज का जो व्लॉग बना है ना वो आज मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मतलब लोग देखेंगे ना उसको हाँ कहेंगे आज का व्लॉग अच्छा है। अच्छा आज मैं तैयार हूँ। आज क्योंकि आप तैयार हो इसलिए आप जीडी शर्मा जी तैयार हैं क्योंकि आज वो आज अपने बड़े भाई के बर्थडे पे आए हैं, बहुत खुश हैं आज। अच्छा मन से। और आपने जो हमें आज सौंफ का पानी पिलाया आनंद आ गया। वाह 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 क्या सौंफ का पानी है। जर्मनी से आपने विशेष हमारे लिए मंगवाया, हमने इसका लुत्फ उठाया, थैंक यू वेरी मच। और हमेशा इसी तरह से हम उनका जन्मदिन इसी तरह से 100 साल तक मनाते रहे। बिल्कुल ये मेरे दिल की दुआ है। तो बीच में उसने मेरे से बात करी तो हमारे लिए पूछ रही थी कि कैसी डॉक्टर लाया तरीका ऐसे है। मैं कहा वेजिटेरियन है। कह रहे तुम खाते हो? मैं कहा हम तो खाते हैं नॉनवेज पर हमारी डॉक्टर ना वेजिटेरियन है। हाँ जी। फिर एक और फ्रेंड थी वो भी उससे भी पूछा, उसने कहा मुझे भी वेजिटेरियन मिली है। तो कहते मेरे हम वेजिटेरियन चाह रहे हैं पर हमें मिल नहीं रही है। उस दिन तो ऐसी बातें करते रहे, आज अचानक उसका फोन आया, कहते मुझे तेरी याद आ रही थी। मैं कहा क्यों क्या हुआ? कहती है तू कुछ ऐसा कर, मतलब आपने उससे पूछ डॉक्टर लॉ से उनकी फैमिली में कोई वेजिटेरियन लड़की है मिल जाए मेरे बेटे के लिए। तो मेरे को समझ में नहीं आता ये लड़की की कौन सी स्पेसिफिकेशन है कि चलो ऐसा बोलते चलो लड़की डॉक्टर होनी चाहिए, लड़की टीचर होनी चाहिए, चलो एक प्रोफेशन का तो एक चॉइस होती है, ये कौन सी चॉइस है? लड़की वेजिटेरियन होनी चाहिए। होती है। तू तो नहीं खाती नॉनवेज? लेकिन फिर भी मैंने तेरे से शादी कर ली। इसे नॉनवेज नहीं देख रहा था ना, वो क्या खाता है क्या करता है उससे कोई मतलब नहीं था, इसे बस अपनी पसंद का दूल्हा चाहिए था। मैं तेरी पसंद का दूल्हा हूँ। सही होता गुंजन से बात कर ले, वो वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन ना गुंजन, बस मम्मी हो गया काम। गुंजन गुंजन के लिए लड़का मिल गया। वाह गुंजन पूना कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी पूना जाना, मम्मी कह रही लड़की। अरे गुंजन चली जाएगी कहीं पे, प्रताप विहार पूना जहाँ बोलेगी, पेरिस लंदन सब जगह चली जाएगी। उसको लड़का चाहिए, उसने बोला था लड़का चाहिए अच्छा खासा। मैं गुंजन से बात करूंगी। फोन कर अभी कर, अभी करती हूँ जल्दी कर, अभी कर फोन। हेलो मेरा फोन है भाई। इसके फोन में भी गुंजन का नंबर है। तेरे फोन में गुंजन का नंबर क्यों आया बता पहले? बहुत तेज हो रहा है। मेरे फोन में हैरी नंबर है, सर्च करूंगा। झूठ बोल रहा है। तेरे फोन में सर्च करवा देता हूँ। तेरे फोन में क्यों है गुंजन का नंबर? मैं सर्च करवा रहा हूँ। आप प्लीज बैठ जाइए क्योंकि आप बैठेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना, पोर्ट्रेट आ जाएगा भाभी जी के साथ। हाँ। आप कुर्सी पे बैठे हैं, खड़ी हैं ऐसे हाथ डाल के। हाँ जैसे शादी में पोर्ट्रेट बने थे ना आपके, आप यहाँ सब आपके पीछे खड़े जाएंगे तो फिर आप लेंगे ना बर्थडे बॉय। अरे बर्थडे बॉय की कैप नहीं है क्या? हमारे पास बर्थडे कैप थी ना। नहीं नहीं चल रहा है, मजाक कर रहा हूँ, ये सीरियस हो गई, कैप भी लेने जा रही है। चलो जी काटिए प्लीज काटिए। Happy birthday to you,
Happy birthday to you. Happy birthday to you. इतनी फॉर्मेलिटी, बहुत अच्छा लगा आप आए, वाओ क्या बात है, ये फॉर्मेलिटी है। तो वो तो घर के मेंबर है, तो इसमें क्या है, आने की खुशी होती है घर के। हाँ ये तो ऐसे बोलो कि इतने दिन बाद क्यों आए हो, रोज आया करो, खुशी है आने की, आप ही रोज आया करो, हम तो रोज आते हैं। नहीं बाबा जी, मैंने भाई साहब को फोन किया था आज से 15 दिन पहले, तो मैं इनको रिक्वेस्ट की खाने वाला पेंडिंग है, सुषमा जी की आलू सब्जी पूरी, आप जो है ना आ जाओ, क्या सुदामा के घर श्री कृष्ण जी की आएंगे, चट पड़ेंगे, हंसे बहुत। अरे नहीं, 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 ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मैं कहा नहीं ऐसा है, हमारे तो श्री कृष्ण जी आप आएंगे, हमें खुशी होगी, आप भोग लगाओ। तो उन्होंने मुझे वचन दिया है कि मैं पक्का आऊंगा, जब मैं थोड़ा ठीक हो जाऊंगा ऑपरेशन के बाद, 2-4 दिन 5 दिन रेस्ट करूंगा, फिर मैं थोड़ा बारिश भी आ जाएगी। अब इन्होंने इंडिकेशन दिया 5 जुलाई को बारिश होगी, मौसम सुहावना होगा, मौसम सुहावना होगा, फिर हम वहां पर सेलिब्रेट करेंगे। Happy birthday to you. Happy birthday dear papa. Happy birthday to you. I hope आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, इसी तरीके से आपकी फैमिली भी हंसते रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे, और खत्म करने से पहले एक बार दोबारा मुस्कुरा दीजिए। जल्दी मिलते हैं दोस्तों।